डिजिटल एक्सेस, डिजिटल इंक्लूसिव, डिजिटल इंपावरमेंट होगा, ठीक है। इनिशिएटिव लॉन्च लोगों से डिजिटल इंडिया भारत सीरी या इंटर एक्सेस देता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया जेनेसिस नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। जे नेक्स्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप इंडिया टेक डॉट ग्लोबल, ये क्या है नेम ऑफ द सेट ऑफ ओपन आई पी आर डिजिटल पब्लिक गुड्स है। माई स्कीम ये क्या, तो सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सी टू चिप्स टू स्टार्टअप ये एम्स करता है ट्रेन स्पेशलाइज मैन पावर इन द एरिया ऑफ डिजाइन ऑफ सेवी कंटेंट चिप्स। मेरी पहचान नेशनल सिंगर साइन ऑन है फॉर वन सीजन लॉन्ग इन ये यूजर इंटीग्रेट सर्विस है, ठीक है। हेल्थ क्या तो इस संजीवनी में कोविन, कोविन मतलब क्या कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है कोविन हो गया, ठीक है। अभी देखो स्किल्स का पी एम जी डी सा, ठीक है। डिजिटल सी आर डी इन, ठीक है। इससे चले, ठीक है। रूरल अर्बन डिजिटलीफाइड हो गया, डिजिटल रिलेटेड हो गया, डिजिटल जेंडर इनिक्वलिटी हो गया, ठीक है। स्लो एंड डिलेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसमें होता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी सेट ऑफ डिजिटल प्रोजेक्ट का प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें होता है, डिजिटल डिवाइड आता है। पब्लिक सेक्टर शुड भी इंकरेज कोऑपरेटिव लीगल फ्रेमवर्क, डिजिटल प्रोग्राम हो गया, ठीक है। एनर्जी पॉवर्टी, फूल पॉवर्टी का तो यूजली दो है, एनर्जी एक्सेसिबिलिटी डेट इज लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, या फिर एनर्जी पॉवर्टी मतलब सस्ते दाम पे भी मिले, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ एनर्जी पॉवर्टी देखो, इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है, हेल्थ इंपैक्ट होता है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होता है, पोलिटिकल इंपैक्ट होता है। चैलेंजेस इन एड्रेसिंग एनर्जी पॉवर्टी, प्रेडोमिनेंस ऑफ अटलांटिक कंट्रीज हो गया, जियो स्ट्रेटिकल इशूज हो गया, अंडर इन्वेस्टमेंट फॉसिल ये हो गया, ठीक है। टाइटेन इन्वायरमेंटल रेगुलेशन का एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस हो गया, ठीक है। इंडिया के इनिशिएटिव का प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य स्कीम हो गया, ठीक है। अब अगला क्या है तुमको, ये बजट लैंप योजना, जिसमें सिर्फ सोलर स्टडी लैंप हो गया, वन सन वन वर्ड वन ओएस हो जाए, पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, इंडस्ट्रियल सोलर रिलायंस हो गया, ठीक है। अभी देखो इसमें एसएलएसी को सा हाई इंपैक्ट डिपेंडेंस हो गया, रिमोट लोकेशन हो गया, ठीक है। रिफॉर्म इन ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक इनिक्वलिटी हो गया, गवर्नेंस रिफॉर्म हो गया, ठीक है। इनोवेशन रिसर्च हो गया, ठीक है। प्रोटेक्टिंग करते हैं वल्नरेबल सोसाइटी को, अवेयरनेस और सोशल पार्टनरशिप क्लीन फील पर डालते हैं, ठीक है। रिसर्च डिपेंडेबिलिटी है, 30% ऑफ फंड्स कुड बी यूज टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कोविड 19, नो सैंक्शन ऑन अप्रूवल और आउट ऑफ द डीएमएफ फंड्स एवर डन एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पर कोई सैक्शन नहीं होगा, ठीक है। देखो ये अफेक्टेड बाई माइनिंग एरिया एक्टिविटीज होता है और इसको बेसलाइन सर्वे यूज करता है, ठीक है। डीएमएफ सेल प्रोवाइड स्टडी को 5 साल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डीएमएफ देखो 30% रॉयल्टी अमाउंट है, लीजिए इसका गारंटी भी 2015 के लिए 10% मतलब 15-30% 2015 से 10% ज़्यादा वो हो गया, ठीक है। स्पेशल फंड है जो कोई टाइटल नहीं होता है, एनी पार्टिकुलर स्कीम ऑफ और एरिया ऑफ वर्क द नॉट लेफ्ट एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल स्कीम, ये हो गया, ठीक है। अब माइंस एंड, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डीएमएफ होता है, स्टेट गवर्नमेंट नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। न्यू कैटेगरी ऑफ माइनिंग लाइसेंस जो प्रोस्पेक्टिव कहता है, प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस को माइनिंग लीज होता है, ठीक है। इस भी डीएफ लैक ऑफ रिक्वायरमेंट पावर टेस्ट होगा, लैक ऑफ ग्राउंड लेवल पार्टिसिपेशन प्रैक्टिकली नो नो स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राम सभा इन द डीएमएफ बॉडी ऑफ पुअरली प्लान ऑफ एडवोक होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना मिटिगेट करता है एडवर्स इंपैक्ट को और हाई प्रायोरिटी एरियाज को देखता है, ठीक है। 60% शेयर को देखता है, ठीक है। लॉन्च क्या है, लॉन्च इसको कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। वे फॉरवर्ड इंक्लूजन ऑफ पीपल हो गया, डी में प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग डिस्प्लेट हो गया, इंश्योरिंग डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन सेक्टर स्कीम आरडीएस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको लॉन्च करता है, आरडीएस को इंप्रूव करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंस सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑल डिस्कॉम, पावर डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग पावर सेक्टर डिस्कॉम के लिए करता है, ठीक है। रिजल्ट लिंक फाइनेंशियल स्टैंडर्ड डिस्कॉम को, ठीक है। मेजर कॉर्पोरेट को सर कंज्यूमर मीटर और स्मार्ट मीटर जो एस्पेक्ट एग्रीकल्चर के अलावा, ठीक है। फीडर सेग्रीगेशन कुसुम होता है, मोटराइजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनुमान, ठीक है। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन इन ऑर्डर में, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल में और सारे डिस्कॉम में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को इंस्टीट्यूशन का टीएफ मोटर डिस्कॉम हो गया, ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिस में आरसी पावर पार्क को नोडल एजेंसी का स्टेल स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान रदर देन वर्ड स्पीड हो गया, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सोना इवम उत्तम इवम उत्तम कुसुम स्मार्ट मीटर इसमें डालते हैं, ठीक है। थ्री प्राइमरी सेगमेंट है, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया, ठीक है। पावर क्या कंकरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो चैलेंज को एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज, इंपैक्ट ऑफ कोविड 19 होकर डिले इन टैरिफ डिस्ट्रीब्यूशन, पावर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अपग्रेडेशन अपग्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। वे फॉरवर्ड डिस्कॉम रिस्ट्रक्चरिंग होकर रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन रिफॉर्म स्टेटर करता है आरडीएसएस स्कीम को, ठीक है। इंडिया बायोकोनोमिकल रिपोर्ट बीरा क्या तो नॉन फॉर प्रॉफिट सेक्टर है, जिस सेक्शन 8 है शेड्यूल 8 और पब्लिक, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इमर्जिंग बायोटेक इंटरप्राइजेस ताकि ट्रेडिक स्ट्रेटेजिक रिसर्च इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। स्पेशल बायोटेक इनिशन ग्रांट सेल फॉर नॉर्थ रीजन बिगिनर है जो कि बिरा के अंडर आता है, ठीक है। देखो बायो बेस्ड प्रोडक्ट को देखता है ये मतलब एरिया बायो बेस्ड प्रोडक्ट को देखता है, बायो एनर्जी भी इसमें देखता है, ठीक है। स्टेटस ऑफ इंडियन बायो इकोनॉमी सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन को ये देखता है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी ये देखता है, ठीक है। चैलेंजेस फेस करूँगा, फूड वर्सेस फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो गया, रेगुलेटरी अथॉरिटी का
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिज्यूम हो गया ठीक है, कंपलसरी लाइसेंसिंग लैक ऑफ मार्केट एक्सेस ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव को सर नेशनल मिशन ऑफ बायो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम ऑफ बायोफ्यूल्स हो गया, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2015-19 NDBS, प्रमोशन बायोटेक्नोलॉजी नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया ठीक है, वे फॉरवर्ड को इंक्रीज इन्वेस्टमेंट हो गया, स्ट्रेंथनिंग पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंगेजमेंट हो गया, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना, इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन हो गया ठीक है, ये हो गया ठीक है। प्रधानमंत्री फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज पीएम, ये मिनिस्ट्री फूड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर आता है ठीक है, इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये ठीक है, इसको कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, एक्सेस टू क्रेडिट टू एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स को देखता है ठीक है, फूड देखता है ठीक है, ये हो गया ठीक है। कंपोनेंट देख लो, 1:1 पर टॉप इंडस्ट्री हो गया, सपोर्ट ऑफ पीओ हो गया, ये सीट कैपिटल 2SG कॉमन ब्रांडिंग और ये कैपेसिटी ठीक है। पीरियड 5 साल के लिए करता है, 2021-2024 आउटले 10,000 करोड़ का था ठीक है। 60-40 डिग्री सेंट्रल स्टेट को 90 स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालय जरूर 60-40 UTV में देखते हैं ठीक है। क्रेडिट लिस्ट कैप्सल 35% पता है, एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट का भी मैक्सिमम सीरियम 10 लाख पर यूनिट हो गया ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज नोडल बैंक ऑफ द इंप्लीमेंटेशन के लिए होता है ठीक है, देखो 200 पर मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस वैल्यू एडेड प्रोसेसेस के लिए ठीक है। सिग्निफिकेंस देख लो इसका, सिग्निफिकेंस का इनहांस करता है फार्मर इनकम को, मिनिमाइज करता है वेस्टेज ऑफ ऑल स्टेजेस ठीक है। इंट्रोड्यूस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ठीक, पॉलिसी सपोर्ट ऑफ क्रिएशन फ्रस्ट्रक्चर पोटेंशियल ऑफ FPI हो गया ठीक है। अदर स्पेसिस देखो, प्रधानमंत्री किसान समुदाय योजना PMKSY हो गया ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के होता है, चैलेंजिंग कांग्रेस फॉर्मेशन सेक्टर हो गया, लैक ऑफ क्रेडिट सपोर्ट टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्यूटोक्रेटिक हर्डल हो गया, डिमांड सप्लाई मिसमैच और कंपटीशन हो गया। वे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करता है फार्म ग्रीड इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट ऑफ फूड पार्क फूड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर जो लेबोरेटरी में होगा, फिजिकल इंसेंटिव ठीक है। ड्राफ्ट कॉफी प्रमोशन डेवलपमेंट बिल 2020, कॉफी बोर्ड कहाँ है बैंगलोर में, इन्हांसमेंट करता है एक्सपोर्ट प्रमोशन करता है ठीक है। पूलिंग सिस्टम जिसमें इस प्लांटर को रिक्वायर करता है डिस्ट्रीब्यूट इंटायर क्रॉप टू है सरप्लस पूल मैनेज बाय द बोर्ड ठीक है। कॉफी वाज स्टेबलाइज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ठीक है। ग्रोथ एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखता है ठीक है। कॉफी बोर्ड क्या करता है, शिफ्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एग्रीकल्चर में करता है ठीक है। कॉफी इन इंडिया बाबा बुदान प्लांटेड कॉफी बीन्स फ्रॉम यमन टू द चंदागिरी हिल्स ऑफ द कर्नाटक ठीक है। दो टाइप ऑफ कॉफी होता है, अरबिका रोबस्टा, अरबिका का तो हाई मार्केट वैल्यू होता है, रोबस्टा का मेजरली मैन्युफैक्चर मतलब इसका वैल्यू ज़्यादा होता है बट रोबस्टा का क्वांटिटी ज़्यादा होता है ठीक है। अरे का देख लो, ये होगा जेंटल टू मॉडल सॉरी जेंटल टू फेरी 1000 से 1500 पे ठीक है, 1500-1525 और ये होगा ठीक है। रिलेटिव यूनिटी में कुछ है इंडिया का नोटिस करते कर्नाटक का मतलब 900 ट्रेन फंड FDI पहले बस सिंगापुर फॉलो करते हैं USA और मॉरिशस के बाद सिंगापुर के बाद USA और मॉरिशस कर्नाटक फॉलो सबसे ज्यादा कर्नाटक में फिर महाराष्ट्र फिर दिल्ली में ठीक है। अब सिग्निफिकेंस के नॉन डेट स्टेबल फाइनेंस रिसोर्स सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को देखता है ठीक है। ऑफ बजट बोरोइंग OBBB स्टेट बाई स्टेट टू मे नॉट बी जस्ट एंड ऑल्सो दोज इन कैन बी जस्ट ओनली अप टू 4 ईयर टिल मार्च 2026 तक ठीक है, मतलब या तो निगस्त या फिर 4 साल तक कर सकते हैं ठीक है। सच बोरिंग हैव इंपैक्ट ऑन द रेवेन्यू डिफेंसर फिजिकल डिस्ट्री पे होता है ठीक है। आर्टिकल 293 सेंटर परमिशन है फॉरेस्ट बोरिंग के लिए, रीजन फॉर इंक्रीजिंग OBBB रेवेन्यू ग्रोथ हो गया, इरोजन ऑफ ऑटोनोमस फिजिकल स्पेस हो गया ठीक है। स्कीम ऑफ ये MSME है उद्यमी भारत प्रोग्राम जो MSME के लिए होता है, स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए होता है, एक्वायर करता शेड्यूल एम या फिर गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस डिफाइंड बाई WHO प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस आर कंट्रोल बाई दी क्वालिटी स्टैंडर्ड ठीक है। इंप्लीमेंटेशन और कैपेसिटी कवरेज होता है रैम्प स्कीम करता है, इंप्लीमेंटेशन कैपेसिटी कवरेज के लिए होता है, CBFT कहते हैं इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के लिए होता है, PMEGP होता है ठीक है। देखो समझ में आ गया, PMEGPA क्या तुमको KVIC इसका नोडल एजेंसी होता है ठीक है। अब देखो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड P2S में इसका प्रूवमेंट टाइम रिकॉर्ड अपग्रेड करना टेक्नोलॉजी का सब कैपेसिटी सब 10% ऑन लोन ऑफ मैक्सिमम 10% 10 करोड़ तक और मिनिमम रिपेमेंट 3 साल या फिर इंटरेस्ट ऑफ 5% ठीक है। असिस्टेंट टू फार्मासी APIFC असिस्टेंट ऑफ 7% ऑफ अप्रूव प्रोसेस फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन PMPDY डेटाबेस फॉर फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस में ठीक है। रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग और ग्रामीण उद्यमी पायलट प्रोजेक्ट के लिए ठीक है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम NAPS का मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट अप्रेंटिसशिप इसको देखता है, DBT स्कीम के अंडर आता है ये ठीक है। 25% ऑफ स्टाइपेंड पेएबल टू RS 15,000 होंगे, प्रमोट करना एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग को NAPS के अंदर रिप्लेस करता है अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना रिंकिंग ऑफ स्टेट्स एक्सरसाइज ऑन सपोर्ट ऑफ स्टार्टअप इको सिस्टम डिक्लेयर DPIT हो गया गुजरात कर्नाटक और महाराष्ट्र मेघालय को देखता है ठीक है। गुजरात कर्नाटक और मेघालय बेस्ट परफॉर्मर ठीक है। इनिशिएटिव कौन कौन सा है, स्टार्टअप फूड स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मिति फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट समृद्धि हो गया ठीक है। देखो IPR बेनिफिट टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिलता है ठीक है। ग्लोबल फिनटेक्स डेटाबेस ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फिनटेक्स डेटाबेस में फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल पेमेंट और रेजिलेंस इन द एज ऑफ COVID-19 देखना है।
रिकमेंडेड का जनरल गैप को मेंटेन करो, फाइनेंशियल रेगुलेशन सुपरवाइजेशन को देखो, स्टेबलाइज को क्लियर करना है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेस टू यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विस को देखता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडिस RBI DPI, ठीक है। अभी देख लो मार्च 2018 में बेस पीरियड है इसका, ठीक है। फाइव ब्रॉड पैरामीटर होता है, ठीक है। थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस को देखता है। कर्नाटक मेजर स्टेट्स है, मणिपुर मणिपुर और नॉर्थ हिली स्टेट्स को आता है। चंडीगढ़ क्या है, यूटी और सेंट्रल स्टेट में आता है, ठीक है। सात पिलर इसका, पांच एनेबलर है, टू परफॉर्मेंस है, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन WIPO इसको देखता है, ठीक है। अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ स्पेशल डायनेमिक्स ऑफ द इनोवेशन हो गया, स्पेशल डायनेमिक्स ऑफ इनोवेशन, ठीक है। टेक्निकल रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च क्या था, डिस्क्राइब टू कंसेक्यूटिव रोबोटिक लाइन आउटपुट, ठीक है। विनफॉल टैक्स, विनफॉल टैक्स द वन ऑफ टैक्स है रिपोर्ट बाय गवर्नमेंट ऑन ए कंपनी ऑन सर फंड स्पेशली लार्ज प्रॉफिट के लिए था, ठीक है। लैंडर पोर्ट मॉडल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बिकम द फर्स्ट 100% पोर्ट अथॉरिटी और लैंड लॉर्ड है, ठीक है। नई मुंबई महाराष्ट्र में JNP लोकेटेड है। अब इसमें देख लो मेजर क्या है, अंडर यूनियन गवर्नमेंट कहता है, माइनर का स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सर्विसेज पोर्ट मॉडल, ये पोर्ट अथॉरिटी अनाउंस करता है लैंड को और अवेलेबल एसेट को हो गया, ठीक है। प्लस बहुत लैंड लॉर्ड और कार्गो टर्मिनेटर ऑपरेटर, ठीक है। टूल पोर्ट मॉडल, इसमें कहता है पोर्ट अथॉरिटी ऑन डेवलप और मेंटेन करता है पोर्ट को और अवेलेबल सुपर स्ट्रक्चर को भी यही देखता है, ठीक है। कॉर्पोरेट पोर्ट, इसमें कहता है ऑनरशिप पब्लिक के पास रहता है। पैनल फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये देखो MSP को ज़्यादा इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बना, प्रमोट करो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, ठीक है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑफ प्राइस CACP अनाउंस करता है MSP को 23 क्रॉप्स के लिए, ठीक है। हाईली एस्क्यू टुवर्ड्स पेडल ग्रोथ स्प्रेड यूनियन डिले इन सेटिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट थिएटर होगा, ठीक है। 11 एग्रीकल्चर कॉन्सेंसस प्रोग्राम फॉर वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर है, FAO में हर 5 साल में करते हैं, ठीक है। हर 5 साल में करते हैं, अब इसमें हर 5 साल हो गया, इसमें कुछ है नहीं, इसमें क्या क्या मिलता है तुम्हें, होल्डिंग साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्लास स्टैटिक्स टेंडेंसी क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब इसमें देता है, ठीक है। वर्ल्ड क्लास सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर जो कि फूड एग्रीकल्चर में होता है, एक्सक्लूसिवली लाइफ स्टॉक पोल्ट्री फिशरी को देखता है, ठीक है। मैन्युअल मैनेजमेंट, ये कहता है NDDBI का सब्सिडियरी जो कि मैन्युअल मैनेजमेंट करता है, NDDBI का मृदा लिमिटेड है, सेटअप करता है मैन्यूर वैल्यू चेन को और बायोगैस पे CNG और एनर्जी जनरेशन फॉर रेडी प्लांट के लिए करता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो लोअरिंग ऑफ GHG एमिशन हो गया, 44% ऑफ इंडिया NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस कार्बन को देखता है। गोवर्धन स्कीम है जो कि जनरेट करता है एनर्जी को कटवास करता है, ठीक है। सुधन, सुधन क्या होता है, डंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फर्टिलाइजर होता है। मिलेट्स, मिलेट्स नीति और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में मिलकर मैपिंग एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस इनिशिएटिव स्टार्ट किया। ज्वार सोरगम है, मिलेट तीन तरह का, ज्वार सोरगम बाजरा पर्लमेट और रागी फिंगर मिलेट, ठीक है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया गया, ठीक है। ओपीएम मार्केट, बजाज हेल्थ केयर मैन्युफैक्चर कॉन्सेंट्रेट पॉपी स्टेयर अल्कोलाइड और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम अनलीड पॉपी कल्पना, ठीक है। हार्वेस्ट मशीन के द्वारा करेंगे ट्रांसलेट और फासली को थ्रू अल्कोलाइड एक्सट्रैक्शन में एलिमिनेट करता है, डायवर्जन ऑफ लिली प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अल्कोलाइड कौन कौन से, तुमको मॉर्फिन और कोडीन होता है, ठीक है। अब इसमें देख लो कफ सिरप कैंसर मेडिसिन और पेन मैनेजमेंट मेडिसिन के लिए करता है, नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंडर आता है, ठीक है। अब देखो ग्रैंड चैलेंज इन ओनियन स्टोरेज डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर्स ने टेक्नोलॉजी फॉर प्राइमरी प्रोसेसिंग स्टोरेज भाई ग्रांड ओपन चैलेंज ऑन स्टोर किया, फाइंड सॉल्यूशन दैट रिड्यूस डैमेज एंड ब्रिंग डाउन प्राइस ऑफ ओनियन हो गया, ठीक है। भारत माला परियोजना पूर्ण, ठीक है। मेजर रीजन के अंदर डिले इन लैंड इक्वेशन का स्लिपिंग राइज इन लैंड इक्वेशन का पैंडमिक को फंडिंग इज ए रोड ब्लॉक और रोड ब्लॉक विथ कॉस्ट ऑलमोस्ट डबलिंग के लिए होता है, ठीक है। BMP को किसी स्टार्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने किया था 34,800 48,000 2024 पे, ठीक है। इफिशियंसी देख लो, इफिशियंसी अच्छा करना है, कनेक्टिविटी करना है, एसिएंट रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, टेक्नोलॉजी साइंटिफिक प्लानिंग के लिए करना है, ठीक है। अब देख लो ट्रांसबोर्डर लीकेज टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। चार नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। ये चार स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम कौन सा, इलीगल माइग्रेशन हो गया, पोरस बॉर्डर हो गया, एथनिसिटी इशू हो गया, एसिस्टेंस फ्रॉम नेबर हो गया, क्रॉस बॉर्डर सेफ हैवन होगा, परसेप्शन ऑफ पीपल इन बॉर्डर एरियाज हो गया, ठीक है। अभी देखो सिक्योरिटी कॉपरेशन, ऑपरेशन ऑल क्लियर बाय रॉयल होटल इन ऑपरेशन सनराइज एंड ऑपरेशन गोल्डन बर्ड बाय द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड म्यांमार हो गया, ठीक है। अदर इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिस्टोर पीस इन रीजन, स्पेशल पावर अंडर पसपा हो गया, पीस डील एंड सेटलमेंट, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ टेल ब्रू रिफ्यूजी रिवोल्यूशन हो गया, ठीक है। उड़ान 4.0 स्कीम 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है जो नॉर्थ ईस्ट के लिए करते हैं, स्वदेश दर्पण स्कीम, एग्री स्पोर्ट्स स्कूल एंड नेशनल मूवमेंट नहीं होगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल इशू करते हैं, ठीक है। अदर से भी फेसिंग इनर लाइन परमिट जो मिजोरम नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एक इस पॉलिसी हो गया, ठीक है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव इंडियन म्यांमार थाईलैंड कालादन मल्टीपोर्ट सेतु पोर्ट है म्यांमार में, ठीक है।
वे फॉरवर्ड हार्नेस करता है अपॉर्चुनिटी को, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर को, अनडिमार्केटेड बॉर्डर इशू हो गया, ठीक है। थिएटर कमांड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाया, थ्री सर्विस के लिए पर्सनल फ्रॉम 30 आर्मी नेवल और आर्मी फोर्स काउंटर कमांड कमांडर डालेंगे, ठीक है। आर्मी और आर्मी सर्विस हर पास 7 कमांड होगा, जिसके पास नेवी होगा 3 कमांड में, ठीक है। कारगिल रिव्यू कमेटी और डीवी से तात्कालिक कमेटी ने बोला कि इसमें 4 जोरफिल कमांड बनाना है, एयर स्पेस और साइबर क्राफ्ट उड़ भी 5th या 6th किलोमीटर में, ठीक है। 4 6 हो गया। अदर सब स्टेप डिप्लोमेशन ऑफ CDS हो गया, प्रपोजल ऑफ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप और लॉन्चिंग ऑफ अग्निपथ स्कीम, ये सब चीज़ें स्टेप्स जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या अचीव करना, ज्वाइंटनेस को बेटर सिनर्जी टू बेटर हाइब्रिड वारफेयर मॉडल, ग्रेटर एफिशिएंसी, सिस्टमेटिक प्लानिंग, रेडिएशन, ठीक है। चैलेंज क्रिएशन देखो, स्ट्रक्चर ऑफ कमांड देखना है, इंटर सर्विसेज कॉम्पिटिशन, मिसमैच एसेट ऑफ आर्म फोर्स, आर्मी डोमिनेंस देखना है, इंडिया का लिबरेट में देखना, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PML, ये तुम क्या तुमको ये प्रोवाइड करता है, ED को एक्सटेंसिव पावर ऑफ समन अरेस्ट और रेड कर सकते हैं। विजय मंडियाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दिया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट ए स्टैंड अलोन, पहली बात प्रमोट करता अदर का ट्विन कंडीशन है, रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग एक्सक्यूज नॉट गिल्टी ऑफ फाइनेंस, दूसरा बात ही इज अनलाइकली टू कमिट एनी ऑफ हिज वायलेंट बिहेवियर, ये दो कंडीशन है, ठीक है। अब ECIN CIR क्या कैन नॉट बी कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन एज इट इज इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ ED होता है, ठीक है। अब ऊपर PML है, PML का इंडिया ग्लोबल कमिटमेंट है टुवर्ड्स इंडिया ग्लोबल कमिटमेंट वर्ड बिना कमिटमेंट टू कंपेयर द मिनट्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को हो गया, ठीक है। अगर डिस्प्ले और सीज करते की फीचर क्या डिफाइन हो गया, 3 मेंबर एडजन कमेटी या पिलेट ट्रिब्यूनल स्पेशल कोर्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को FIU इंडिया हो गया, ठीक है। इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट करता है इंटेलिजेंस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, गवर्न बाय फाइनेंस मिनिस्टर को, बर्डन ऑफ प्रूफ पर्सन पर लाई करता है, ठीक है। अब अगला देखो, ED का फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस सेक्रेटरी है, FEMA और सर्टेन प्रोविजन PML के अगेंस्ट काम करता है, FEMA का सिविल है तो PML का क्रिमिनल लॉ, ठीक है। टेनर ऑफ डायरेक्टर ऑफ ED इसका मैक्सिमम 5 साल तक होता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इसमें देखता है रिपोर्टिंग इन DT होता है, ठीक है। अभी देख लो इंडायरेक्टली बटन रिपोर्ट बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, इशू इंक्लूड कर डायलेशन ऑफ लॉ हो गया, प्रोसीजर इशू हो गया, बर्डन ऑफ प्रूफ इनोसेंस, ठीक है। लो कन्विक्शन रेट हो गया, ठीक है। न्यूजन शॉर्ट पहले बार स्प्रिट चैलेंज करता है इंडियन नेवी के लिए होता है, स्वावलंबन होता है जो कि इंगेज करता है स्टेक होल्डर को टुवार्ड्स रिजिलियंस के लिए, ठीक है। स्प्रिट क्या होता है सपोर्टिंग पोल वैल्यू इन रिसर्च डेवलपमेंट थ्रू IDX, IDX का इनोवेशन फॉर डिफेंस सिलेक्शन, नवल इनोवेशन और इंडिजनस ऑपरेशन के लिए तो नहीं हो, ठीक है। TDEC क्या था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सिलेक्शन, ठीक है। इंडिजनस टेक्नोलॉजी इंडियन इनोवेटर, ठीक है। अभी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है ये, ठीक है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर स्टेबल फॉरन मिशन देता है, ठीक है। फर्स्ट इंडिजनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, पहले गया था विक्रमादित्य था, अभी विक्रमांत हो गया, ठीक है। IS-1 और इसको क्या होता है IS विक्रम वंस इंटर्स इन सर्विस इन टू इंडियन नेवी हो गया, ठीक है। पहली बार कोचिन CPR लिमिटेड को बनाया AIM विक्रांत, करंटली दी नेवी ओनली, पहले ये था इसके बाद अभी विक्रांत आया है, ठीक है। विक्रांत और विराट दोनों ब्रिटिश बिल्ट है, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ कैपेबिलिटी बढ़ाता है, ब्लू वाटर नेवी को बढ़ाता है, प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन, ये हो गया, ठीक है। अब ठीक है इंडिजिनियस स्टील थी तो उसी में क्या प्रोसीजर ऑफ दिखातक आर्म स्टील थी हो गया, जिसको ऑरा बोलते हैं, ऑटोनोमस रिसॉल्वमेंट ऑरा डिफ्रैक्शन डिपेंडिंग हाई स्पीड को रिकॉन्सर्स यूए भी होता है, इसका विपिन फायर कैपेसिटी होता है, एरोमेटिकल डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट को देखता है, ठीक है। इंडिया जापान मेरीटाइम एक्सरसाइज को इंपैक्ट होता है, जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडियन नेवी अंडमान स्कीम होता है, ये हो गया इसको, ठीक है। ये हो गया खलास।